हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अगर आप 2023 में डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन लेने से पहले एक बार ये वीडियो देख लो। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो डिप्लोमा का स्कोप है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का, वो प्राइवेट सेक्टर में क्या है, मतलब 3 साल का जब आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लोगे तो आपको कम से कम कितनी सैलरी मिलेगी और 5 साल बाद कितनी सैलरी मिलेगी, मतलब आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी और पर कॉलेज टू कॉलेज कितना आप डिफ्रेंशिएशन हो सकता है कि आपकी कॉलेज और एक अच्छी कॉलेज या आप एक अच्छी कॉलेज से कर रहे हैं तो उसकी क्या प्लेसमेंट सिनेरियो रहता है, साथ में गवर्नमेंट में कितनी सैलरी मिल सकती है, मिनिमम मैक्सिमम कितनी सैलरी मिल सकती है, कौन सी पोस्ट पे आप जॉब करते हो प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर पे कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है डिप्लोमा सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, ये सारे डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। आपके सारे डाउट और आपको पता होना चाहिए किसी भी ब्रांच में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले कि उसका स्कोप क्या है गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो रहे होंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, बट बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज रिगार्डिंग इंजीनियरिंग। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। देखो डिप्लोमा आप 2 तरह की कॉलेज से कर सकते हो, एक कॉलेज तो ऐसी होगी जो अच्छी कॉलेज होगी, एक कॉलेज ऐसी होगी जो नॉर्मल कॉलेज होगी, नॉर्मल या एक एवरेज कॉलेज होगी। नॉर्मल एवरेज जो टायर 3 सिटीज में होती है, जो छोटी सिटीज में कॉलेज होती है, और एक बहुत मेट्रो सिटी में बहुत अच्छी कॉलेज होती है, एक वो कॉलेज होती है। दोनों की फीस में डिफरेंस होता है, उसकी फीस कहीं ना कहीं कम होती है और एक अच्छी कॉलेज की फीस ज्यादा होती है। 2 रीजन हो सकते हैं, एक तो आप अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहते हो तो जब एक नॉर्मल सी कॉलेज से करने का रीजन हो सकता है आपका डिप्लोमा, या आप उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हो जितना एक अच्छी कॉलेज की फीस है इसलिए आप एक नॉर्मल सी कॉलेज से कर लो। तो मैं दोनों का बता दूंगा, नॉर्मल सी कॉलेज के बाद डिप्लोमा करोगे तो उसके बाद 3 साल बाद कितनी सैलरी मिलेगी शुरुआत में, और वो 5 साल बाद कितनी होगी, हर मंथ कितनी बढ़ेगी, और साथ में एक अच्छी कॉलेज का भी बता दूंगा। तो सबसे पहले हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, अगर आप एक नॉर्मल सी कॉलेज से डिप्लोमा कर रहे हो तो डिप्लोमा करना चाहते हो, डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो देखो कम से कम सैलरी आपको जो मिल सकती है वो मिलती है 10,000 से 15,000 रुपए के बीच में, और इतना ही बढ़ेगा अगर कल को थोड़ा अगर मैं महंगाई उसमें काउंट कर लूं तो 12,000 से 17,000 लेके चल सकते हो। अभी का सीन यही है कि डिप्लोमा होल्डर्स को 10 से लेके 15 के बीच में बोलते हैं मतलब सैलरी मिलती है। अब बहुत सारे लोग इस पे बहुत बेकार कमेंट भी करते हैं कि इतना तो मजदूर भी कमा लेता है, लेकिन भाई देखो मजदूर उतना करियर में ग्रोथ नहीं कर पाता ना, वो जिंदगी भर उतना ही कमाता है, बट आपको शुरुआत में कम मिलेगी लेकिन फिर वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। शुरुआत में आपको कम पे ही काम करना होता है, आपको एक्सपीरियंस लेना होता है, आपको स्किल्स पे काम करना होता है, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज सिखाई जाती है डिप्लोमा के अंदर। चलो वो बात की बात है, लेकिन पहले हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं कि जो आपकी सैलरी मिलेगी वो आप 3 साल बाद अगर मैं 12,000 से लेकर 17,000 के बीच में आपको मिलेगी, और अगर मैं एवरेज मानूं तो लगभग 13-14 हज़ार रुपये मिलेंगे अगर आप एक नॉर्मल सी कॉलेज से कर रहे हो, और आप प्राइवेट सेक्टर की बात बता रहा हूं मैं, और आपकी जो प्राइवेट सेक्टर में सैलरी बढ़ती है अभी बढ़ रही है लगभग 1700 पे एक साल में बढ़ते हैं, जो अब मुझे कैसे पता है वो भी मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूं। आप बोलोगे कि आप तुम ये सब बता रहे हो तो मैं कैसे पता है, तो मुझे इसलिए पता है मैंने खुद ने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया है, ठीक है, और साथ में मेरे बहुत सारे जानने वाले डिप्लोमा के बाद जॉब कर रहे हैं, बीटेक के बाद भी जॉब कर रहे हैं, और डिप्लोमा बीटेक दोनों के बाद जॉब कर रहे हैं, डिफरेंट कंपनीज में कर रहे हैं, तो सबका एवरेज निकाला आया है, ठीक है। तो अभी 1700 के समथिंग बढ़ते हैं, किसी के कम बढ़ते हैं किसी के ज़्यादा, मैंने एवरेज निकाला 1.7 के आया है। अगर मैं बात करूँ 3 साल बाद तो उसे 2,000 रुपये मान सकते हो कि 2,000 रुपये एक साल में आपका प्रमोशन होगा, जिसको आप प्रमोशन बोल सकते हो। जरूरी नहीं है कि 2,000 ही हो, कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। वैसे मैं इस बात को पहले ही क्लियर करके चल रहा हूँ कि मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। तो अगर आपकी 14,000 रुपये पर जॉब लगती है डिप्लोमा के बाद, ठीक है, तो आप 5 साल बाद उसमें 10,000 रुपये ऐड कर लीजिए, लगभग आपके 14 और 10 24,000 हो जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में 5 साल बाद। हो सकता है कि आपके 20,000 ही रहें, हो सकता है आपके 30,000 हो जाएं, ये डिफरेंट कॉलेज पे भी मैटर करता है, उस वक्त के टाइमिंग पे भी मैटर करता है, कंपनी किस कंपनी में गए हो उस पे भी मैटर करता है, लेकिन एवरेज यही रहेगा। अगर मैं एवरेज लेके चलूं तो एवरेज यही रहेगा जो मोस्ट ऑफ द पीपल्स का रहता है, मोस्ट ऑफ द लोगों का रहता है, ठीक है। वैसे तो मेरा एक जानने वाला भी है जो कि डिप्लोमा के बाद जॉब कर रहे थे, 3 बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूं जो 11,000 की जॉब पे लगे थे, 3 साल जॉब करते करते हो गए उन्हें, 3 से लेकर 4 साल हो गए लगभग, अब तो 4 साल होने को आए हैं, और उनकी सैलरी 11 से 15 हुई है, सिर्फ 4,000 बढ़ी है। तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनकी 20,000 हो गई है 4 साल में ही, मतलब कि 7-8 हज़ार बढ़ गए, 8,000 बढ़ गए, 2,000 से के समथिंग बढ़ गए। तो मैंने एक एवरेज बताया है आपको, वहीं पर अगर आप एक अच्छी कॉलेज से करते हैं तो लगभग आपका
17,000 से लेकर 22,000 के बीच में प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। इतना प्लेसमेंट होगा आपका, और आप एक अच्छी कॉलेज से करोगे तो अच्छी कंपनी में जाओगे, और जब अच्छी कंपनी में जाते हो तो प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और कंपनी स्विच करने में भी थोड़ी आसानी रहती है, ठीक है। आपकी स्किल उतनी डेवलप्ड होती हैं। तो अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो 3,000 ले सकते हो आप, पर साल आपका प्लेसमेंट होगा, प्रमोशन होगा 3,000 से। अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 3, 15, 3, 3, 5 या 15 हो गया, और 15 को अगर मैं आपको कम से कम सैलरी में 18,000 मानता हूँ, कि अगर आपको 18,000 मिलती है तो 18,000 में आप 15,000 को ऐड कर लोगे तो लगभग 33,000 हो जाएगी आपकी 5 साल बाद। ये अच्छी कॉलेज और एक नॉर्मल कॉलेज की बता दी मैंने आपको, इतना प्रमोशन, इतना स्कोप, कैसे हर साल प्रमोशन होता है ये भी बता दिया। अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करता हूँ तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी जो सैलरी है मिनिमम 30-35,000 रहेगी, चाहे आप SSC JEE दे लो, RRB JEE दे लो। अगर मैं एक्स्ट्रा पक्ष मिला के 40,000 रुपये पड़ जाती है शुरुआत में, और अगर मैं 5 साल बाद बात करूँ तो लगभग लगभग आपकी 60,000 हो जाएगी। हो सकता है ज़्यादा हो जाए, डिपार्टमेंटल कोई एग्जाम हो अगर वो पास कर लो, और आप असिस्टेंट इंजीनियर भी बन सकते हो डिप्लोमा के बेसिस पे ही, और अच्छी पोजीशन पे पहुंच सकते हो, तो वो डिफरेंट, मतलब गवर्नमेंट की तो आप भूल जाओ, गवर्नमेंट में स्कोप क्या है, गवर्नमेंट में तो आपकी लाइफ बन जाएगी अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो और गवर्नमेंट जॉब निकाल देते हो। तो ये सिनेरियो है आपका डिप्लोमा का, जिस ब्रांच से मैंने आपको बताया है, ठीक है। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।